जा रहे हो? दुकानदार बनना है क्या? हम लोग निकल चुके हैं, देखिए रोड पे आ गए हैं। देखिए गोविंद सर बाइक चला रहे हैं, गाड़ियों से हमको बोले तेल डाले या ना डाले, हमको पूछ रहे। गाइस हम लोग इलेक्ट्रॉनिक शॉप आ चुके हैं अभी फोन बनाने के लिए। कौन लाए? अभी हम लोग आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, तो अभी फोन आईफोन फोन बनाने के लिए। चलो तो आए थे तो मोबाइल बनाने, अभी PMMM का भी काम आया है, तो यहाँ पे PMMM के लिए आज कुछ खरीदना है। तो PMMM के लिए क्या खरीदना है? कुर्ती खरीदना है, कुर्ती देखना है। तो देखते हैं कुर्ती। तो अनास दुकान पे तो कोई नहीं है, खाली है। अनास इना और पे हम सोच रहे हैं कब अनास आएगा और कुर्ती दिखाएंगे। कपड़े के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं PMMM, कपड़े उसको बहुत पसंद है, हरदम कपड़े ही खरीदते रहते हैं और कपड़े खरीद खरीद के मुझे कंगाल कर दिए। बस अनस नहीं आ रहा। और बेटा ठीक हो? थोड़ा ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, यहाँ दुकान आया था। अनस आओगे तो ठीक है, नहीं तो हम फिर चले जाते हैं। अनास नहीं आ रहा, अनास सो रहा होगा अंदर। तो हमें कुर्ती नहीं मिला, हम जा रहे दरगाह। खत्म हो गया है, जाइए गोविंद से, तेल खत्म कर दिया है गोविंद। देखिए गाइस फाइनली हम लोग दरगाह पहुंच गए, क्योंकि दरगाह से ले आना था मेरा। वैसे ना हम 100,000 रुपीज़ जीत गए थे ना, तो आज हमको शॉपिंग कर रहा था। आज गोविंद सर मेरे शॉपिंग करवाने के लिए लाया है दरगाह। गोविंद सर का हालात ख़राब हो गया। गोविंद सर बोल रहे दरगाह बहुत भीड़ है, देखिए भीड़ तो ही नहीं दिखाई दे रहे हमको तो। गोविंद सर का एक फोन तो टूट गया है, दूसरी फोन भी टूटने वाला है, क्योंकि मेरे हाथ से गिरने वाला है। बाय गॉड, देखिए जाम लग गया है दोस्तों, देख लीजिए आगे कुछ सब खाली है, तभी गोविंद सर जाम लगा कर रखे हैं। मेरा ये देखिए लोग ने कहाँ कहाँ से घुसा के रखा है। गोविंद सर ने रुका दिया, ऐसे रुकाते हैं गोविंद सर लाइक। गोविंद सर ऐसे ऐसे ब्रेक लगाते हैं, हम पीछे से आगे हो जाते हैं। हमको लग रहा है दरगाह का मेला खत्म हो गया है क्या। फाइनली हम लोग दरगाह आ गए, अभी हमको 2-3 सेट कपड़ा लेना है, क्योंकि मैं डेली स्कूल के लिए आया, साड़ी डेली नहीं पहन सकते हैं, इसलिए गोविंद सर ने बोला चलो आज तुम्हारे लिए कुर्ती खरीदते हैं। आज हम बहुत खुश हैं।
इतना खुश तो हम कभी हुए नहीं थे, क्योंकि आज गोविंद सर ने शॉपिंग करवाने लाए हैं हमको। भैया बोले चप्पल को सौ वाले। उड़ा उड़ा चला रहे बाबा। क्या 300 आगे इस तरफ। और यहाँ पे दुकान है और पेमा मैम को खरीदना है कुर्ती, तो देखते हैं यहाँ पे पेमा मैम के लिए कुर्ती मिलता है कि नहीं मिलता है। कैसे कौन सा वाला? अंदर नहीं, इधर से बाहर। कहाँ गुस्से चले जा रहे हो? दुकानदार बनना है क्या? दुकानदार बनना है वो तो शॉपकीपर बनना चाहती है पेमा मैम, अंदर घुस रहे थे। चलो देखते कौन सा वाला, बहुत अच्छा अच्छा कुर्ती है। हाँ पिंक कलर ऐसे पहनोगे स्कूल में? तो यहाँ पे चारों तरफ मेला लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। और पेमा मैम यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, देखेंगे कौन सा क्या पसंद करते हैं दोस्तों। क्या करूँ? चूज योर सेल्फ। लेना है ना? अभी लेके जाएंगे आगे से कुछ। फाइनली मैंने कुर्ती खरीद लिया है, अभी जब घर जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे गोविंद सर का चॉइस है। खरीद के देख के जा रहे हैं ना पापा। अभी दो पुलिस गए थे, इतना बड़े बड़े आंख से देख रहे थे हम लोग तो। बड़े बड़े आंख से नहीं दिख रहे थे, देख रहे थे बट। देखिए वहाँ आगे सामने कितना बड़े ट्रक आ रहे हैं। यहीं खड़े कर दे पापा, थोड़ा साइड हो जाओ। ये देखिए ट्रक कैसे आता है यहाँ, कैसे घुसा रहे हैं पापा। बच्चे था क्यों, कुछ खाने वाने का नहीं लेके जाएंगे पापा? देख लीजिए रोड पे कैसे कैसे गाड़ी लोग कूदाते हैं, मतलब कोई भी स्लो नाम का चीज है नहीं, किसी का भी क्या वो है नहीं है। इधर से आ रहे उधर से आ रहे, मतलब एक दूसरे को ओवरटेक करने में तुली है सब लोग। अपना सेफ्टी के लिए कुछ भी ये लोग नहीं करते, देख रहे हैं कितने तेज तेज चला के चले जाते हैं। हाँ ठीक है चलिए। ये देखिए तालाब कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ देखिए बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग क्या बेच रहे हैं। वो था सिंगड़ा नहीं था, जो स्नेल होता है आई थिंक वो बेच रहा है। हाँ हम लोग भी सिंगाने भेड़े बोलते हैं, पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं इसमें, तो स्नेल बोलते हैं। मटका पहन पता है कौन खाएगा, आई डोंट नो। ये देखिए दो भैंस इधर भी बैठे हैं। गोविंद सर बोलते हैं पेमा तुम ब्लॉग बनाया करो, ब्लॉग बनाओ। पर देखिए गाइस हमको मतलब अभी फर्स्ट टाइम है ना, तो इसलिए थोड़ा सा की मजा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा है नहीं है, बट तभी भी हम थोड़ा कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए बनाने के लिए। इधर गोविंद सर को देखिए बाइक चला रहे हैं। हम फर्स्ट टाइम देखो वैन देखा है इसलिए। हाँ
ये देखिए भैंस का बथान। और यहाँ रोड देखिए कितना खराब है, जैसे लग रहा है कौन सी क्या रोड बोलते हैं, कच्चा रोड बना के रखा है सरकार ने। ये देखे बकरा, तुम बच गए बकरा, ध्यान से बकरे लो। ये लोग भी मछली मारने के लिए देखे बैठे हैं। ये भी तालाब घर, ये देखिए लो बकरा मिलते वहाँ पे जैस्मिन के लिए कुछ खरीदते हैं। अभी जैस्मिन के लिए चाट बना रहे हैं हम लोग, चाट लेके जाएंगे और हम भी चाट ही खाएंगे आज। और यहाँ पे पेमेंट मैम वहाँ पे क्या खरीद रहे हो, मूढ़ी, मूढ़ी खरीदे हैं। और शाम हो चुका है दोस्तों, अब अंधेरा धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। और हम लोग पीछा वच्छा और दरगाह घूम के रूम के पास आ चुके हैं। और फिर मैंने अच्छे अच्छे दो शॉपिंग किए कपड़े। हम बैठते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पंखा चल रहा है और हम लोग थोड़ी देर आराम करते हैं क्योंकि बाइक चला चला थक गया। क्योंकि लड़कियों के साथ शॉपिंग करना ही बहुत मुश्किल भरा काम होता है, कभी ये यहाँ चलो कभी वहाँ चलो कभी ये करो कभी वो करो, हालत खराब हो गया दोस्तों। तो हमारा जो ब्लॉग ये ब्लॉगिंग यहाँ पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय।